हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडसेट क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है ड्रोटिकाइंड एम। तो दोस्तों, ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये कहां पर यूज़ किया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये मैं सब जानकारी दूंगा। इससे पहले मेरे प्लीज़ इस चैनल मेडसेट क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, ड्रोटिकाइंड को बनाया है लाइफ स्टार मनकाइंड कंपनी ने, एक बहुत अच्छे और बहुत अच्छी डिवीज़न है दोस्तों, बहुत स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। ये आपको मिल जाएगा 75 रुपीज़ में 10 टैबलेट्स। और याद रखिए, ड्रोटिकाइंड एम होता है और एक ड्रोटिकाइंड ATMG होता है, इसीलिए कंप्लीट नाम याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओके, और दोस्तों ड्रोटिकाइंड जो है, इसके अंदर जो कंटेंट है दोस्तों, ड्रोटावेरिन है। ड्रोटावेरिन क्या है मैं आपको बताऊंगा। मेफेनेमिक एसिड तो आपको पता ही होगा कि एक एनसेड है, जो कि बहुत अच्छा पोटेंट पेन किलर है, प्लस फीवर भी कम कर देता है, दर्द भी कम कर देता है। उसके साथ साथ ड्रोटावेरिन क्या होता है दोस्तों, ये स्पैज़म रिलीव करता है, यानी मसल स्पैज़म जो होता है वो रिलीव करता है, स्पेशली छोटे मसल, स्मूथ मसल्स कहा जाता है। ऐसा नहीं कि आपको जैसे चोट लगती हो जहाँ पर आपको मसल स्पैज़म हो जाता है, या आपकी तकिया, आप जो तकिया होता है पिलो ज़्यादा यूज़ करने से आपको गर्दन आपके स्पैज़म हो जाती है, वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता। ये यूज़ किया जाता है स्मॉल मसल स्पैज़म, स्मॉल मसल यानी स्मूथ मसल कहा जाता है। वो कहाँ पर होते हैं, आपके आंत में होते हैं जिसे इंटेस्टाइन कहा जाता है, आपके किडनीज़ में होते हैं, और फीमेल हैं तो वहाँ पर सर्विक्स में वो भी होते हैं दोस्तों। यानी जब आपको ये कहीं भी पेन होता है तो ये बहुत हेल्पफुल होता है दोस्तों। ड्रोटावेरिन है जो आपको मैंने जैसे बताया कि ये, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको जाननी है। एक तो या तो आपका मुंह जो होता है वो सूखा हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ कहा जाता है, एलर्जिक स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, और BP कम हो सकती है, जो वॉमिटिंग होता है वो कभी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अब ड्रोटावेरिन आप स्पेशली डिसमेनोरिया, जैसे पीरियड्स में आपको पेन होते हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है, किडनी स्टोन्स होते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है, या तो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जहाँ पर आपके स्पैज़म होता है इंटेस्टाइन में, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। ये डॉक्टर की सलाह के बगैर, पर्ची के बगैर आपको नहीं ख़रीदनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको रखनी है दोस्तों। जैसे कि ड्रोटावेरिन इतना अच्छा ये ड्रग है दोस्तों, लेकिन उसके लिए अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कहाँ पर नहीं दिया जाता, जहाँ पर सीवियर लीवर किडनी डैमेज होता है वहाँ पर नहीं दिया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये दिन में 2 बार ले सकते हो। आपको अगर पेन रिलीव नहीं होता तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और देखिए डायग्नोसिस कुछ और आपका हो सकता है, या तो कभी कभी सीवियर पेन होता है तो भी ये कम नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये सही दवा और आपको सही